नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं नेम प्लेट का धर्म काटा। यूपी में अब होटल, ढाबा और खान पान से जुड़े रेहड़ी ठेली और संचालकों के लिए पहचान प्रदर्शित करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि व्यापारियों की पहचान की जा सके। व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम व पते का बोर्ड चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना के दृष्टिगत अगर बात करें तो पुलिस ने सुरक्षा के लिए हरिद्वार क्षेत्र में 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के जो पुलिस का आदेश जारी हुआ उसको लेकर के राजनीतिक घमासान भी देखने को मिल रहा है, जिसमें पुलिस ने सभी ढाबों, भोजनालयों और रेहड़ी पटरी वालों से नेम प्लेट टांगने का आदेश भी दिया है। इसको लेकर के विपक्ष के जो नेता हैं तो पहले से ही हमलावर थे और अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता भी तंज कसने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोशल मीडिया पर रोष व्यक्त किया और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली है। और अप्रश्यता है कि बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अप्रश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। तो इस ऐसा कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। हालांकि ये किसने कहा, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है इस पर ये भी बता देते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल, ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है उतने से ही अमन और जो चैन है पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे में ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा। ये प्रेम और सौहार्द से जो उपजी एकता की जीत है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। और इसी के साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं। मायावती ने कहा है कि पश्चिमी यूपी व मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के जो दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश ये गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। आखिर मामला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को का जो करीब 250 किलोमीटर का जो रूट है वो पड़ता है और इस रूट पर सभी दुकानदारों, ढाबों, भोजनालयों के साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों को आदेश दिया गया कि वो अपने नाम की तख्ती लटका ले। मुजफ्फरनगर के साथ साथ सहारनपुर और शामली जैसे नगरों में भी आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद विवाद भी बढ़ गया और विपक्षी दल हैं सत्ताधारी दल पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी हमलावर होते नजर आए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और इस बात का भी खंडन किया और जो ये आदेश जारी किया गया है इसका विरोध किया। मायावती ने भी जो सौहार्दपूर्ण भावना की बात कर रही थी उसका भी खंडन करते हुए कहा कि ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। और कांवड़ यात्रा को लेकर के अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तब उससे पहले ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हैं। और तो कांवड़ का बहाना या मजहबी निशाना ये कहा जा सकता है। आपको ये खबर बता रहे हैं। आज ये खबर निकली थी मुजफ्फरनगर से लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे में लागू किया गया है। तो जो पहचान बताएगा वही कारोबार चलाएगा, ऐसा
फरमान जारी किया गया है। फिलहाल मायावती ने कहा है कि इस फरमान को वापस ले लेना चाहिए। जिस तरह से ये फरमान लागू किया गया है, ये फरमान सही नहीं है। पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के जो दुकानदार हैं, मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से लिखना होगा, प्रदर्शित करना होगा, जिससे कि पहचान हो सके कि ये किसकी दुकान है और पहचान भी हो सके। इसके साथ ही साथ ये भी पता चल सके कि ये दुकान किसकी है, कौन से वर्ग की है। हालांकि सवाल विपक्षी दलों की ओर से कई सारे उठाए जा रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, पहचान की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, राम दिनेश आचार्य जो कि धर्म गुरु हैं और जगत गुरु श्री हरिधाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और श्वेता दुबे प्रवक्ता बीजेपी से हैं। और श्वेता दुबे हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले राम दिनेश आचार्य हमारे साथ धर्म गुरु जुड़ चुके हैं। राम दिनेश आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये जो फरमान पुलिस की ओर से लागू किया गया है, जारी किया गया है, विरोध तो देखा जा रहा है, लेकिन इसके इतर अगर बात कर ले तो क्या धर्म विशेष के लोगों का कांवड़ यात्रियों की पवित्रता को भंग करने का कोई विशेष मकसद होता है जिसको लेकर के ये फरमान जारी किया गया है? नहीं, मुझे लगता है कि इस बात पर तो हमें आना ही नहीं चाहिए कि किसी के धर्म को भ्रष्ट करना या उनके प्रति कोई ऐसी भावना या दुर्भावना है। मुझे लगता है कि सरकार ने जो फरमान जारी किया है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सावन का पवित्र महीना होता है और हलाला जिसपे हो, जिसपे रेड निशान लगे हों, जिसमें कुछ ऐसी वस्तुएं पड़ी हों जो पेज में नहीं आती हैं, जो मुझे लगता है कि पवित्रतम माह में आहार की शुद्धि को शास्त्रों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और पवित्र भाव में, पवित्र महीने में पवित्र भोजन और खान पान की व्यवस्था के साथ अपनी कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस बात की पहचान की जा सके कि किस वस्तु को खाना है और किस वस्तु को नहीं खाना है, इसको लेकर के मुझे लगता है कि सरकार ने ये आदेश पारित किया है कि उसके आगे नाम लगाया जाए। और दूसरी बात, सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है ना, कौन है, कहाँ का है, कैसा है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इस बात के लिए आपत्ति होनी चाहिए कि लोगों का नाम सामने लगाया जाए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट होते हैं उसको लेकर पिछली बार भी देखा गया था कि इस तरह के प्रोडक्ट को लेकर घमासान देखा गया था। इस तरह के जो खबरें आई थी वो भी निकलकर सामने आई थी पिछले दिनों, हलाल सर्टिफाइड जो भी प्रोडक्ट था। लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह से ये आदेश आया है और जारी किया गया है ये निर्देश, तो विरोध क्यों फिर हो रहा है अगर ये सही है तो? विरोध करने का तो काम ही है, सरकार तो यही देखती है ना कि हमको तो विरोध ही करना है। कोई भी बात अगर सरकार कहती है तो विपक्ष का काम ही है उसका विरोध करना, मुझे लगता है। लेकिन ये विरोध का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा और विरोध का होना चाहिए, जो बात ठीक है। हलाला जैसे प्रोडक्ट को खा करके कांवड़ यात्रा करने वाले की जो है कांवड़ की पवित्रता समाप्त हो जाएगी, इससे लोगों के नेम प्लेट लगाया जाए, कोई आतंकी घटना ना हो सके, कोई बाहर का व्यक्ति आकर के कुछ ऐसे वस्तुओं को न बेचे, तो मुझे लगता है कि इस देश में सबको रहने का अधिकार है, तो सबको अपना नाम और अपना पहचान बताने का भी अधिकार है। कोई ऐसा थोड़ी है कि पहचान बता देने से वो बाहर का हो जाएगा या इसको किसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अपना नाम और अपना नेम प्लेट लगाने से किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये जो आदेश जारी किया गया है, इसमें जो धार्मिक द्वेष की भावना है वो पनपती नजर नहीं आ रही है? इसमें द्वेष की कोई बात जैसे नहीं कि है। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने भी विरोध किया, हालांकि वो सत्ताधारी दल से हैं, लेकिन मायावती, अखिलेश यादव जैसे तमाम दिग्गज नेता, उन्होंने भी इसका विरोध किया। धार्मिक भावनाओं को लेकर के बात कही, धर्म को लेकर के बात कही, सरकार ने ये तो नहीं कहा कि मुस्लिम समाज के लोग दुकान नहीं लगा सकते हैं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि सिख धर्म के लोग दुकान नहीं लगा सकते हैं, केवल ये कहा है जो भी दुकान लगाए अपना नेम प्लेट लगा करके रखें, जो पवित्र माह में कांवड़ की यात्रा कर रहे हैं तो वो सुनिश्चित कर सके कि हमसे हमने जो वस्तु लिया है उस किस व्यक्ति से लिया है। एक समूह निकल रहा है, मान लीजिए मिलावटी करके कोई इतने समूह में लोगों को कुछ खिला पिला दे,
तो उसके लिए भी तो सरकार जिम्मेदारी होगी ना। तो हम कहां उसको खोजेंगे, कौन था, किसने खिला दिया। इस प्रकार से भी इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी सारी भीड़ बेकाबू हो गई और इतने लोग उसमें मारे गए, तो आप बताइए कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना, पता तो हो कि हम कहां से, किससे और क्या ले रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि कोई धार्मिक विद्वेष की भावना है, सबको पता होना चाहिए कि हमने ये वस्तु यहाँ से लिया है और यहाँ से इसका हमने जो है खरीदारी की इस व्यक्ति से किया है, बस इतना ही कहने का भाव है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को, ये विपक्ष का काम है तो वो तो ये करेंगे ही, पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए पर हो रही है। मायावती ये भी कह रही हैं कि ऐसा आदेश गलत परंपरा को लागू कर रहा है, एक जन्म दे रहा है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है वो बिगाड़ रहा है। क्या इससे आप मानते हैं कि जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं नहीं ठीक है, ये तो विपक्ष के लोग हैं, कुछ ना कुछ इनको कहना है, पर मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का सौहार्द बिगड़ने वाला है। काहे का सौहार्द बिगड़ने वाला है इसमें, तो भाई आप नाम कहां से क्या ले रहे हैं, लोगों को पता हो, इससे सौहार्द बिगड़ने की कोई बात। अब ये विपक्ष है, विपक्ष का काम है कि सत्ताधारी दल कुछ भी नियम लगाए तो उसका विरोध करना, ये तो एक चलन है इस देश में, मुझे लगता है उसी का पालन कर रहे हैं ये लोग। आप हमारे साथ बने रहिए और बजरंग दल के प्रांत संयोजक और मौलाना ने क्या कुछ कहा है पूरे मामले को लेकर के, वो भी एक बार सुना देते हैं दर्शकों को। कावड़ यात्रा के दौरान जो मार्ग पर दुकान के मालिक का नाम लिखने का प्रशासन न पुलिस न जो एक कदम उठाया है, मैं इस कदम की सराहना करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और केवल ये कदम जो उठाया गया है ये कावड़ यात्रा के दौरान ही ना हो, बल्कि कावड़ से अलग ये नियम कानून बन जाना चाहिए इस देश के अंदर और पूरे के पूरे देश में ये लागू होना चाहिए और कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए। ये देखने में आया है कि जब कावड़िए दुकान के अंदर सामान लेते हैं, खरीदते हैं, खाते पीते हैं, तो ना बाद में पता चलता है कि ये दुकान नॉन वेज भी है, तो ऐसे दंगे फसाद उस कावड़ यात्रा के दौरान होते हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता है और कानून व्यवस्था भी खराब होती है। ओवैसी हो या अखिलेश हो इस बात को लेकर, और वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि दुकान किसकी होगी, क्या होगा, ये भी अब सरकार तय करेगी। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि कानून व्यवस्था इस प्रकार से ठीक हो और ठीक रहा तो ये कदम भी बहुत जरूरी है, सरकार को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। देखिए इस्लाम और कुरान का कॉन्सेप्ट तो ये है कि हमारी जो मोहब्बत की बुनियाद है वो इंसानियत है। इंसानियत के मामले से हमारा कावड़िया भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तो उस बुनियाद पर हमें आपस में जुड़े रहना चाहिए। इस अंदाज के फरमान से दूरियां पैदा होंगी, हत्तल इम्कान इससे बचा जाए। मैं भी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं, आज तक की तारीख में मैंने कभी ऐसा कोई फरमान मुजफ्फरनगर प्रशासन से नहीं सुना। इस अंदाज से खलीज पैदा होगी, दूरियाँ पैदा होंगी। हाँ अलबत्ता अगर बहुत से लोग हमारे शिविर लगाकर या मसलन चलो हिंदू भाई के नाम पर ही वो लिख करके और खिदमत करना चाहते हैं तो आपको उससे क्या नुकसान है, उससे कोई आने वाले का धर्म भ्रमित थोड़ा ही हो जाएगा। हम भी बहुत से अपने हिंदू भाइयों के होटलों पर खूब खाना खाते हैं, खूब मखनी दाल का एंजॉय करते हैं, तो हमारा कोई अमल ख़राब थोड़ा ही हो जाता है। इस अंदाज की सोच नहीं रखनी चाहिए, इससे नुकसान होता है। बहरहाल कप्तान साहब हैं, वो पुलिस के मालिक हैं, जिम्मेदार हैं, अगर उनको प्रशासनिक कोई मजबूरी है तो वो बहरहाल उनका फैसला है, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अवाम इसको मोहब्बत की निगाह से नहीं देगी। तो अभी आप सुन रहे थे तरह तरह की विचारधारा निकलकर इसको लेकर के सामने आ रही है, एक धर्म पर ही कांटे की टक्कर चल रही है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं, तरह तरह के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं, हम आपको लगातार सुना भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नाम जो नेम प्लेट पर बदलाव करने की बात है कि आप जो भी भोजनालय है, रेडी पटरी है, ढाबे हैं, वहाँ पर आप अपना नाम चस्पा करें और साथ में नाम के साथ साथ पता भी होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उसमें जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं उसमें हैं कि नहीं है। इसके साथ ही साथ जो कांवड़ यात्री हैं वो यात्रा के दौरान उन्हें खाने पीने की कोई समस्या ना हो, उन्हें सोचना विचारना ना पड़े कि हाँ कैसे
कहाँ जाएं खाने के लिए, क्या उन्हें शुद्ध खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा यात्रा के दौरान, इसको ध्यान में रखते हुए जो ये फरमान है वो जारी किया गया है। लेकिन इस फरमान के बाद जो कि विरोध के जो सुर हैं वो देखे जा रहे हैं लगातार। खासतौर पर अब ये माना जा रहा है कि जो पहचान बता देगा कारोबार उसी का चलेगा। इस बार ये हर बार देखा जाता है कि कांवड़ यात्रियों की जो समस्याएँ हैं हर बार निकल कर सामने आती हैं, और इस बार प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि किसी भी तरह की कोई समस्या कांवड़ यात्रियों को ना आए और किसी भी तरह की दिक्कत, चाहे वो खाने पीने को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी समस्या को लेकर के हो, ठहरने की दिक्कत हो, और सारी समस्याओं के निदान को लेकर के प्रशासन ने एक पुख्ता कदम उठाया है। हालांकि अखिलेश यादव लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट के जरिए एक्स पर ये पोस्ट किया है, और पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से यह सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन की ओर से ना किया जाए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल फल ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने से ही अमन और चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके इस आदेश के बाद जो जनता है वो खुश हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अखिलेश यादव का ऐसा फिलहाल कहना है। ये आपको पोस्ट दिखा रहे हैं अखिलेश यादव ने जो कहा है, और इसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल फल ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है। एक तो अखिलेश यादव ये भी मान रहे हैं कि विपक्ष की बात मान करके जो काम किया है, और हालांकि जो पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही है इसे जनता स्वीकार नहीं करेगी, और इसी के साथ ही साथ ये विभाजनकारी काम है, शासन प्रशासन को नहीं करना चाहिए। तो लगातार देख रहे हैं आप, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो या फिर अखिलेश यादव हो, तमाम जो विचार हैं वो अब निकलकर धीरे धीरे आ रहे हैं सामने, और हर विचारों में राजनीति देखी जा सकती है। और अब कांवड़ यात्रा को लेकर के एक नई राजनीति, एक नई बयार देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वैसे में भी सुर्खियों में रहने वाला प्रदेश है। राजनीति के लिहाज से अगर बात कर ले, अभी जो सियासी हलचल देखी जा रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी, और उतने में एक और नया फरमान जो कि आ गया, और इस नए फरमान के बाद एक और राजनीति शुरू हो चुकी है। जिस तरह से कांवड़ यात्रियों को लेकर के हमेशा से ही एक नई जो रणनीति होती है करने की बात कही जाती है, लेकिन इस बार जो कि ये पहली दफा नहीं है जो खाने पीने की समस्या को लेकर के सामने प्रशासन ने ऐसा कदम उठा लिया हो, बल्कि ये समस्या पहले से देखी जा रही थी, और उन जो वो समस्या थी उसको ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है कि अब कांवड़ यात्रियों को रहने ठहरने की कोई परेशानी ना हो, खाने पीने की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के पहले से ही नाम के साथ ही साथ जो पता है वो लिखने को लेकर कहा गया है कि आप वो नेम प्लेट लगाएं और चस्पा करें, जिससे कि यात्रियों को, जो कांवड़ यात्री हैं, उनको पहचान हो सके कि हाँ वो यहाँ पर ठहर सकते हैं, यहाँ पर उन्हें भोजन मिल सकता है। तो इसी के साथ ही साथ हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट होते हैं उसको लेकर के भी फरमान जारी हुआ, और जहाँ पर सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिलेंगे वहीं पर वो भोजन कर सकेंगे, या जो भी आदेश प्रशासन की तौर पर प्रशासन की ओर से जारी किया गया है उसको लेकर के अब देखा जाएगा कि किस तरह का कदम अब शासन और प्रशासन की ओर से उठाया जाएगा। और एक बार फिर से आपको सुना देते हैं, हिंदू संगठन सुनाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले आपको यही बता रहे हैं कि जिस तरह से घमासान मचा हुआ है मुजफ्फरनगर से ये बात निकली थी, और अब जाकर के उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में ये फरमान जारी कर दिया गया, ये जो आदेश है वो लागू कर दिया गया है। लेकिन अब जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि क्या सिर्फ मजहब को निशाना बनाना है इस तरह के फरमान को लेकर के, कि नाम प्लेट, जो नेम प्लेट है वो लगा दो और पहचान बनाने के लिए नाम पता चस्पा कर दो, क्या सिर्फ मजहब
आपके निशाने पर है। तो कांवड़ बहाना है या मजहबी निशाना है, ये सवाल उठाया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से। और एक नया फरमान जैसे ही जारी हुआ, घमासान देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश की जो सियासी हलचल है वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन इसी बीच एक और नई खबर निकल कर आ जाती है सामने। और इस खबर के बाद एक और बयार बहती नजर आ रही है। और क्या कुछ पूरे मसले को लेकर के हिंदू संगठन और मौलाना ने कहा, एक बार आपको फिर से सुना देते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान जो मार्ग पर दुकान के मालिक का नाम लिखने का प्रशासन न पुलिस न जो एक कदम उठाया है, मैं इस कदम की सराहना करता हूं और स्वागत करता हूं। और केवल ये कदम जो उठाया गया है ये कावड़ यात्रा के दौरान ही ना हो, बल्कि कावड़ से अलग ये नियम कानून बन जाना चाहिए इस देश के अंदर और पूरे के पूरे देश में ये लागू होना चाहिए और कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए। ये देखने में आया है कि जब कांवड़िए दुकान के अंदर सामान लेते हैं, खरीदते हैं, खाते पीते हैं, तो उन्हें बाद में पता चलता है कि ये दुकान नॉन वेज भी है, तो ऐसे दंगे फसाद उस कांवड़ यात्रा के दौरान होते हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता है और कानून व्यवस्था भी खराब होती है। ओवैसी हो या अखिलेश हो इस बात को लेकर, और वो प्रसन्नचिन लगा रहे हैं कि दुकान किसकी होगी, क्या होगा, ये भी अब सरकार तय करेगी। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि कानून व्यवस्था इस प्रकार से ठीक हो और ठीक रहे तो ये कदम भी बहुत जरूरी है, सरकार को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। देखिए, इस्लाम और कुरान का कॉन्सेप्ट तो ये है कि हमारी जो मोहब्बत की बुनियाद है वो इंसानियत है। इंसानियत के मामले से हमारा कांवड़िया भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तो उस बुनियाद पर हमें आपस में जुड़े रहना चाहिए। इस अंदाज के फरमान से दूरियां पैदा होंगी, हत्तल इम्कान इससे बचा जाए। मैं भी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं, आज तक की तारीख में मैंने कभी ऐसा कोई फरमान मुजफ्फरनगर प्रशासन से नहीं सुना। इस अंदाज से खलीज पैदा होगी, दूरियाँ पैदा होंगी। हाल बत्ता अगर बहुत से लोग हमारे शिविर लगाकर या मसलन चलो हिंदू भाई के नाम पर ही वो लिख करके और खिदमत करना चाहते हैं तो आपको उससे क्या नुकसान है? उससे कोई आने वाले का धर्म भ्रमित थोड़ा ही हो जाएगा। हम भी बहुत से अपने हिंदू भाइयों के होटलों पर खूब खाना खाते हैं, खूब मखनी दाल का एंजॉय करते हैं, तो हमारा कोई अमल ख़राब थोड़ा ही हो जाता है। इस अंदाज की सोच नहीं रखनी चाहिए, इससे नुकसान होता है। बहरहाल कप्तान साहब हैं, वो पुलिस के मालिक हैं, जिम्मेदार हैं। अगर उनको प्रशासनिक कोई मजबूरी है तो वो बहरहाल उनका फैसला है, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अवाम इसको मोहब्बत की निगाह से नहीं देखे। और नेम प्लेट का धर्म काटा में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।